हेलो एवरीवन तो देखो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास इलेवेंथ का ये आपका एन में चैप्टर नंबर थर्टीन है ओके सो स्टार्टिंग में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं देखो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होता है टू वर्ड से कंबाइन होके बना है ओके okay? कार्बन आपको पता ही चल रहा होगा कि क्या होता है हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन ठीक है एंड कार्बन मीन्स की उसमें कार्बन के आइटम्स होंगे तो हाइड्रोकार्बन आप कि कहते हैं जिनमें ओनली कार्बन्स सिर्फ कार्बन्स हो और हाइड्रोजन्स हो ये मिला के कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स ठीक है जिसमें प्रेजेंस हो ओनली कार्बनस की एंड हाइड्रोजन्स की उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन एंड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बेस होते हैं आप बेस कह लो या फिर पेरेंट कह लो ठीक है बहुत ही आप कह सकते हो कि पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसका जो बेस है वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम किन चीज़ों के में पढ़ते हैं हम कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं ठीक है है में क्या होता स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले हाइड्रोकार्बन की, की स्टडी होती है तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं या फिर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं बिकॉज देखो अगर मान लो कि आपके पास जैसे हमने इससे पहले चैप्टर में Uh, देखा था आई यू पी एस सी वगैरह भी जैसे मान लो आप इथेन लेते हो इथेन इज सी एच थ्री सी एच थ्री अगर इसको आप एक्सपैंड करो कार्बन कार्बन और ये सारे हाइड्रोजन्स यहाँ पर प्रेजेंट है अब क्या करोगे ये क्या है इसमें देखो ओनली क्या है कार्बन्स है एंड हाइड्रोजन्स है सो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन सो इथेन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन तो जो हाइड्रोकार्बन नेम है ये एक ब्रॉडर नेम है इसके अंडर कई चीज़ें आती है ठीक है जैसे एल्केन एल्काइन ओके सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन पर्टिकुलरली इसका नेम है इथेन अब क्या होता है यहाँ पर ओनली कार्बनस एंड हाइड्रोजन्स है अगर हम इस हाइड्रोजन को मान लेते हैं इस हाइड्रोजन की जगह हम ओ OH एच लगा दें दैट मीन्स यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का बाय ओ एच तो क्या बन जाता है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच विच इज़ कॉल्ड इथेनॉल तो देखो बन गया इथेनॉल एक कम्प्लीटली डिफरेंट हाइड्रोकार्बन हमें मिला है या फिर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास आया है बाय दिस इथेन सो जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच इज़ एल्किन एल्किन एंड एल्काइंस वो क्या होते हैं ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हम हाइड्रोजन की सब्सटीट्यूशन विथ विथ सम सुटेबल फंक्शनल ग्रुप से अगर कर दें तो हमारे पास एक डिफरेंट ऑर्गेनिक कम्पाउंड मिलता है दैट मीन्स सारे भी जो ऑर्गेनिक कम्पाउंडस हैं वो डेराइव होते हैं हाइड्रोकार्बन से मतलब ये सिंपलेस्ट यूनिट्स होते हैं इनमें आप कुछ बदलाव करते रहो दूसरे ग्रुप्स ले आओ हाइड्रोजन्स की जगह तो उनके जो डेरेवेटिव्स होते हैं वो होते हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंडस तो इनको हाइड्रोकार्बन्स को बेस माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्री का या फिर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सॉरी कंपाउंड्स माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी से ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्डअप होती है हाइड्रोकार्बन से उसी में कुछ एक चेंज करके हम क्या लाते हैं हमारे पास आता है अपने पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या आप कह सकते हो डिराइव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सो सो इंट्रोडक्शन में पहली बात तो क्लियर हो गई कि दीज़ आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन्स ओनली सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है कार्बनस होते हैं एंड हाइड्रोजन्स होते हैं एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पेरेंट क्योंकि ये क्या है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसीलिए इन्हें पेरेंट ऑर्गेनिक कम्पाउंडस भी कहा जाता है ठीक है पेरेंट ऑर्गेनिक कम्पाउंडस भी कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स को जो हमने यहाँ पर बात करी थी जैसे मैंने हाइड्रोजन को यहाँ यहाँ पर रिप्लेस करा था बाय ओ एच ग्रुप एल्कोहल ग्रुप तो नया कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल गया है इथेनोल जो कि डिराइव हुआ है फ्रॉम इथेन ठीक है तो ये है हाइड्रोकार्बन नाउ मेन इम्पॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन होता है देखो हम हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका बहुत मेजर रोल होता है हमारी डेली लाइफ में भी है ना और जो हाइड्रोकार्बन है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं इससे क्या होता है आपको सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी डेली लाइफ में भी अभी मैं आपको बताती हूँ डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हाइड्रोकार्बन इनकाउंटर होते हैं कहाँ कहाँ आप हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हो और शायद आपको ये चीज़ पता भी नहीं है तो देखो सबसे पहला आ जाता है एल में एल क्या होता है एल होता है लिक्विड एल का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस ठीक है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसे और ये यूज़ कहाँ होती है इन डोमेस्टिक फ्यूल एज डोमेस्टिक डोमेस्टिक फ़्यूल के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं जैसे कि आपके पास किचन में देखना जो सिलेंडर होता है उसे क्या कहते हैं एलपीजी सिलेंडर कहते हैं उसमें जो गैस होती है वो मिक्सचर होती है डिफरेंट हाइड्रोकारबनस की और उसमें ज़्यादातर क्या होती है प्रोपेन होता है और प्रोपेन क्या है एक हाइड्रोकार्बन है और प्रोपेन के साथ बाकी भी गैसेस होती हैं बाकी भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बनस इसमें देखने को मिलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जिसे आप एज डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ करते हो जैसे कि जैसे अपनी किचन में आप कुकिंग के लिए भी इसे यूज करते हो और नेक्स्ट सी एन जी आपने सुना होगा सी एन जी क्या होता है सी एन जी होता है कॉम्प्रेस्ड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ठीक है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं सीएनजी को अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है सभी को पता है ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है इन ऑटोमोबाइल्स ओके जैसे आपकी कार्स होगी बसेस होगी तो कई आ, क्या होते हैं फ्यूल की जगह डीजल या पेट्रोल की जगह सीएनजी गैस यूज कर रहे हैं गैसेस भी यूज़ हो रही है जैसे अपने ऑटोस वगैरह में भी गैसेस यूज़ हो रही है सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसमें कंप्रेस की हुई नेचुरल गैस है ठीक है और उसमें वो भी क्या होते हैं नेचुरल गैस में भी हाइड्रोकार्बनस ही होते हैं इन सब में हाइड्रोकार्बन ही होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन के एंड नाउ लेटेस्ट न्यूज़ में भी चला होता है लेटेस्ट जो आई है गैस दैट इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एल भी अब यूज़ में होने लगी है विच इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस नेचुरल गैस ठीक है ये भी अब यूज़ में आ रही है इसे भी एज फ्यूल यूज़ किया जा रहा है ठीक है ऑल्सो यूज एज फ्यूल ठीक है इसे भी एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है तो देखो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जैसे एल आप देखो कितनी फ्लेमेबल गैस होती है एकदम से जैसे आप लाइटर यूज करते हुए एकदम से वो फायर कैच कर लेती है एकदम से फ्लेमेबल होती है ठीक है तो इसमें है एलपीजी सीएनजी एंड एलएनजी ये गैसेस में क्या है इसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है सभी में हाइड्रोकार्बन्स है बट उनका जो कॉम्पोजिशन है परसेंटेज है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है लेकिन इन सब में हाइड्रोकार्बन होता है अब इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रोकार्बन को डिटेल में पढ़ना ठीक है जैसे कि पेट्रोलियम देखते हैं पेट्रोलियम कहाँ मिलता है अर्थ की क्रस्ट में हमें मिलता है पेट्रोलियम ठीक है और जो जब हम पेट्रोलियम को जब पेट्रोलियम की हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ठीक है जब इसकी पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो होता है पेट्रोल ठीक है पेट्रोल भी इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑप्टेंट किया जा सकता है डीजल को भी कर सकते हैं और साथ में कैरोसिन कैरोसिन ऑयल ठीक है कैरोसिन ऑयल को देखो एज़ अ डोमेस्टिक फ्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं कई जगह पे करते भी है लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो एलपीजी है एल में यहाँ पर क्या होता है लीस्ट पॉल्यूशन करती है ये ठीक है इससे पॉल्यूशन सबसे कम होता है एल से कैरोसिन ऑयल भी आप एज ए डोमेस्टिक फ्यूल की तरह खाना बनाने के लिए हाउस होल्ड में यूज़ कर सकते हो लेकिन इसमें कुछ एक पॉल्यूशन होता है इससे ठीक है इसीलिए जो मेजरली होते हैं हम एल यूज़ करते हैं तो देखो पेट्रोलियम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल भी मिलता है डीजल एंड कैरोसिन ऑयल ऑप्टेन किए जा सकते हैं ठीक है ठीके? और पेट्रोलियम कहाँ पर मिलता है अर्थ की क्रस्ट में मिला अ, मिलता है एक बार मैं आपको पेट्रोलियम नेचुरल गैस का एक फंडा समझा देती हूँ ठीक है उससे आपको इजी हो जाएगा कि नेचुरल गैस क्या होती है पेट्रोलियम क्या कह रहे हैं क्रूड ऑयल क्या होता है ठीक है देखो तो यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ समझना एक डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ ज़रा देखो यहाँ पर क्या है इस तरह से मैं यहाँ पर इस पोर्शन में मैं बना रही हूँ वाटर ठीक है यहाँ पर एक मिनट अब देखो यहाँ पर है वाटर ठीक है यहाँ पर है रेजरवायर रॉक रेजरवायर रॉक देखो हम अंदर की बात कर रहे हैं तो इनके रिजर्वॉयर्स होते हैं पेट्रोलियम के ठीक है जहाँ पर ये पाए जाते हैं अब देखो क्या होता है सबसे निचली जो लेयर होती है वहाँ पर वाटर होता है ठीक है और जो ऊपर होता है जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर इसके ऊपर पाया जाता है ऑयल जिसे आप क्रूड ऑयल भी कहते हो ठीक है क्रूड ऑयल क्या होता है कच्चा तेल भी कहते हैं हम अपनी इजी लैंग्वेज में ठीक है वाटर के ऊपर ऑयल होता है ऑयल के ऊपर पाया जाती है गैस ठीक है और ये किसकी बात हो रही है जब हम यहाँ पर वेल्स लगाते हैं जैसे कि आपने सुना होगा कि ऑयल वेल्स होते हैं ऑयल के कुएँ हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर वेल्स लगे हैं ठीक है ठीके? तो ये है ऑयल वेल्स ठीक है ऑयल वेल्स तो जो भी ऑयल वेल्स होते हैं वो उसमें सबसे ऊपरी लेयर पे होती है गैस उसके नीचे होते हैं ऑयल जिसे आप क्रूड ऑयल भी कहते हो और लास्ट में होता है वाटर इस रे इस ऑर्डर में क्यों होता है क्योंकि ऑब्वियसली जो गैस होती है वो लेस डेंस होती है ऊपर आएगी और जो ऑयल होता है वो वाटर से डेंस लेस डेंस होता है तो वाटर से ऊपर आ जाता है ऑयल ठीक है अब देखो यहाँ पर जो ये पेट्रोलियम वर्ड यूज़ करते हैं ये एक्चुअली पेट्रोलियम जो हम वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा के लिए समझ लो ये एक ब्रॉडर टर्म है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं कहते पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक ब्रॉडर टर्म होती है जिसमें आता है आपकी गैस ऑयल भी आता है जिसमें आप कह सकते हो क्रूड ऑयल ठीक है कच्चा तेल ठीक है ऑयल भी आता है और इसी में ही गैस आती है जो कि होती है नेचुरल गैस जो नेचुरल गैस क्यों कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली अकर हो रही है ठीक है नेचुरली यहाँ पर अकर हो रही है नेचुरली अकरिंग है सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल गैस तो जो पेट्रोलियम है एक ये ब्रॉडर टर्म है जिसमें ऑयल भी आते हैं और गैस कंबाइंडली आते हैं ठीक है ठीके? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जिसमें क्रूड ऑयल्स भी हो सकते हैं या फिर नेचुरल गैस से बने हुए हाइड्रोकार्बन से बने हुए वो चीज़ें भी हो सकती है तो यहाँ पर जो ये चीज़ पूरी बता रहे हैं ये पेट्रोलियम ही होता है यहाँ पर क्रूड ऑयल भी आ गया और गैस भी आता है जो नेचुरल गैस होती है तो वो यहाँ पाई जाती है देखो दिस इज़ द नेचुरल गैस नेचुरल गैस कहाँ पर होती है हमेशा याद रखना नेचुरल गैस होती है रिजर्व जो पेट्रोलियम का रिजर्व पूरा क्या है रिजर्व ऑयर जहां पर पेट्रोलियम मिलता है उसके रिजर्व के जो सबसे ऊपर टॉप में पाया जाता है ऑयल वेल well के सबसे टॉप लेयर में जो पाया जाता है वो होती है गैसेस ऑब्वियसली क्योंकि लेस डेंस इसीलिए ऊपर होगी ठीक है हो तो ये नेचुरल गैस है इसे भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये ऑयल को भी क्रूड ऑयल को भी हम निकालते हैं और जो क्रूड ऑयल होता है उसकी फिर प्रोसेसिंग होती है उससे हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स मिलते हैं जैसे पेट्रोल डीजल कैरोसिन ऑयल ठीक है तो पेट्रोलियम का जो यहाँ पर लिखा है कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें ये सब मिलती है तो वो एक्चुअली ये पेट्रोलियम अर्थ की जो क्रस्ट में है पर्टिकुलर रिजर्वर्स है इनके तो वहाँ से निकाले जाते हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पर डायग्राम से आपको बता दिया जैसे ये वेल्स है तो वेल में जो ऑयल वेल होता है एक्चुअली उसके जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो होती है गैस की विच इज़ कॉल्ड नेचुरल गैस देन कम्स ऑयल ठीक है तो ये एक ब्रॉडर टर्म है ये हमेशा क्लियर कर दो कन्फ्यूजन ठीक है बाकी हम इतना डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे अब देखो ये चीज़ पता चल गई कि नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन सेम रेजर एज़ पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम की रिजर्व जो हम बोलते हैं उसी में ही हमें नेचुरल गैस मिलती है जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ये पेट्रोलियम रिजर्व है इसी में ही हमें नेचुरल गैस मिलती है जो कि ऑयल के टॉप में होती है ठीक है एंड कोल गैस यहाँ पर अब आती है अब देखो कोल गैस क्या होती है जो कि कोल से हमें मिलती है एक्चुअली uh, जो कोल होता है उसका क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है इसमें हम डीप में नहीं जाएगी जस्ट आपको मैं सोर्स बता रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स के अब क्या होता है जो ये पेट्रोलियम भी है ये इसमें भी क्या है हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स इसमें भी होते हैं ठीक है सो कोल गैस में भी वही होता है उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे कि मीथेन होता है कोल गैस में ठीक है नाउ हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज एज सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स जैसे आपके पास पेंट्स है तो पेंट्स में जो सॉल्वेंट है वो हाइड्रोकार्बन्स उसमें यूज़ होते हैं एज सॉल्वेंट्स ठीक है solvents, तो देखो हाइड्रोकार्बन्स कहाँ नहीं है एक तरह से ये इसकी सिग्निफिकेंस भी होगी या फिर आप इसे एज यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की तरह भी ले सकते हो इस लेक्चर को ठीक है एंड इन दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी ड्रग्स ठीक है जैसे कई मेडिसिन है उनके जो स्टार्टिंग जो मटेरियल है वो कई जगह क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी आगे रिएक्शंस एंड प्रोसेसिंग्स के बाद क्या होता है कई इंपॉर्टेंट ड्रग्स मिलते हैं ठीक है कईयों का बेस होता है ये हाइड्रोकार्बन्स एंड दिज आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स जैसे पॉलीमर्स में जैसे एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं हम पॉलीथीन ठीक है पॉलीथीन तो देखो जो पॉलीथीन है तो पॉलीथीन पॉली होता है वैसे ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें जो एल्कीन्स है इथिलीन जैसे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू वो एज अ मोनोमर यूज़ होता है स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है उससे पॉलीमर्स बनते हैं ठीक है पॉलीमर्स क्या होते हैं ये हाई डेंसिटी के होते हैं मटेरियल्स ठीक है तो इसमें क्या होता है यूनिट्स जो एक यूनिट है उसको बार बार रिपीट करके एक बड़ी चेन बनती है और पॉलीमर्स बनते हैं ये वैसे प्लस टू क्लास का है ठीक है उसमें डिफरेंट चैप्टर आ जाता है पॉलीमर polymer. तो पॉलीमर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी हाइड्रोकार्बन्स यूज़ होते हैं तो देखो जो आज का ये लेक्चर इंट्रोडक्शन पे था हमारा इस चैप्टर की हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स हमें क्यों पढ़ने चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन्स ये भी तो आपको पता होना चाहिए वाई वी आर स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज हाइड्रोकार्बन तो पहली बात ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे आप देख सकते हो जो आपके डीजल पेट्रोल कैरोसिन ऑयल है वो भी पेट्रोलियम से आए हैं और पेट्रोलियम में भी क्या है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एलपीजी गैस है कुकिंग गैस जिसको यूज़ करते हो आप उसमें भी क्या है जैसे प्रोपेन उसमें हाईएस्ट परसेंटेज में पाया जाता है वो भी क्या है हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ पर हो सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो जिन कंपाउंड्स में वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स और ये आप कह सकते हो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेस होते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फिर पेरेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ठीक है पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्योंकि इन्हीं से डिराइव होते हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हीं में थोड़ा बहुत हाइड्रोजन्स का चेंज कर लो कुछ नई चीज़ें ले आओ नए फंक्शनल ग्रुप्स ले आओ तो नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हीं से डिराइव होते हैं इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना ज़रूरी है और ये था आज का इंट्रोडक्शन ठीक है और आप इसे इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के तौर पे भी ले सकते हो और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय